बड़वानी में मोहर्रम के जुलूस के दौरान यादगार मंसूरी अखाड़े में मौजूद असामाजिक तत्वों ने एमजी रोड पर बंद दुकान पर पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दुकानदार की शिकायत पर वीडियो में पथराव करते दिख रहे युवक 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं डीजे संचालक को भी हिरासत में लिया है। बड़वानी थाने में आरोपियों पर की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर दोपहर में सांसद गजेंद्र पटेल के साथ महिलाओं, व्यापारी संघ और हिंदू संगठन ने एसपी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि डीजे पर आपत्तिजनक गीत बजा रहे थे और आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की गई। अभी तो मैं जो कल मोहर्रम का त्यौहार था, बड़वानी शहर ऐसे भी शांतिप्रिय शहर है और सभी समाज के लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं, परंतु विगत कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से मोहर्रम निकल रहा है उसमें किसी प्रकार के असामाजिक तत्व आते हैं और एक धर्म विशेष के लोगों पर कुछ अप्रिय घटनाओं का अंजाम देते हैं। उसी प्रकार की कुछ अप्रिय घटना कल रात में भी देखने को मिली। जैसे ही मुझे टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली, मैंने तत्काल पुलिस प्रशासन के एसपी साहब से बात करी, उनसे पूरी स्थिति का जायजा लिया और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। क्या कंप्लेन की, क्या घटना? रात को हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। किन लोगों ने किया? किन कारण से किया गया? जो अखाड़े का डीजे निकल रहा था उसमें गलत तरीके के गाने बजाए जा रहे थे और पत्थरबाजी चल रही थी और साथ में तलवारें भी निकली हुई थी, लाठी भी थी, हॉकी भी थी, सब कुछ था। उनको मैंने रोकने की कोशिश की कि भैया ये क्या कर रहे हो, मारा कुटी क्यों कर रहे हो, पत्थर क्यों चला रहे हो, बच्चे खड़े हैं। तो उन्होंने मुझे अपशब्द बोले और उसके बाद यही बोला कि ए लाठी भी चलेगी और तलवार भी निकलेगी, अंदर निकल, और मेरे पर तलवार से वार किया। रात को जैसे डीजे आया अखाड़ा, मेरा बेटा बाहर देखने आया, जैसे आया उन्होंने तलवार खींच के मारी, गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। न रोकने गए तो उन लोगों को गालियाँ दी और न तलवार फेंक के मारी। कब की घटना, कितनी बजे की? 1:30-2 के लगभग की थी। 2 से 2:30 बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई आप? नहीं, रात को वो आए थे साहब लोग, उनसे बोला तो बोले फुटेज बनाया है क्या, वो लोग कौन थे क्या थे, उस वक्त फुटेज बनाने बैठे हैं क्या, मैं कोई बताओ। हाँ, कस्बा बड़वानी में आज रात्रि में जो मोहर्रम का जुलूस चल रहा था और उसी दौरान एमजी मार्ग में जुलूस के ही मैं जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों के द्वारा ही जो बंद दुकानें हैं उन पे पत्थर फेंके गए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जरूर हुई, लेकिन उपलब्ध पुलिस बल के द्वारा वहाँ व्यवस्था निर्मित की गई है। बाद में घटनास्थल के फुटेज देखे गए, उससे स्पष्ट हो गया है कि जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों के द्वारा अति उत्साह में आकर के बंद दुकानों पर पत्थर, जो शटर थे उन पर पत्थर और डंडे मारे गए हैं। उसके बाद मोहल्ले के लोगों ने के द्वारा भी एक शिकायत आवेदन दिया है और हम वीडियो फुटेज भी देख रहे हैं, उसके आधार पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें कुछ नामजद व्यक्ति हैं, शाहिद, वसीम, कल्लू नामजद हैं, और शेष व्यक्तियों के विरुद्ध जो है फुटेज देख करके इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष विधायक प्रेम सिंह पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा ओम सोनी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।